आज का दिन हर भारतीयों के गर्व का दिन है, जब हमारे वीर योद्धाओं ने कारगिल की सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ी पर तिरंगा फहराया था। ढाई महीने तक चले इस युद्ध में देश के लगभग 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया गया, वहीं 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। आज हम आपको उन्हीं योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके बलिदान ने कारगिल की जंग को जीत में बदल दिया। और फर्स्ट इंडिया इन सभी योद्धाओं को सलाम करता है। विजय गाथा, आज हमने प्रोग्राम को यही नाम दिया है क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है, यानी ऐसा दिन जब देश का हर नागरिक भारतीय होने पर गर्व महसूस करता है। 3 मई 1999 को शुरू होने वाला कारगिल युद्ध आज के दिन यानी 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। इस युद्ध में हमारे बहादुर सेना ने पाकिस्तान को ज्यादा आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर जबरदस्त मात दी थी। ये विजय गाथा, ये रिपोर्ट देखिए। भारत का पाकिस्तान के साथ साल 1999 में हुआ कारगिल युद्ध, और ये युद्ध पाकिस्तान की तबाही के लिए जाना जाता है। वैसे तो ये युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत पाकिस्तान ने साल 1998 में ही कर दी थी। उसने अपने 5000 सैनिकों को कारगिल की चढ़ाई के लिए भेजा था। उन्होंने कारगिल के एक हिस्से को घेर लिया था। इस बात की खबर जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। भारतीय वायु सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद जहां भी पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां बम गिराए गए। इसके अलावा पाकिस्तान के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट बम का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान करीब 2,50,000 गोले दागे गए। 5,000 बम फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोर्टार, तोपों और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। लड़ाई के 17 दिनों में हर रोज प्रति मिनट में एक राउंड फायर किया गया। बताया जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश की सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई। कारगिल युद्ध में मां भारती के ललाट पर विजय का रक्त चंदन लगाने वाले हमारे करीब 527 से ज्यादा वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। इनमें से ज्यादातर वो शूरवीर थे जो अपने जीवन के 30 साल भी पार नहीं कर पाए थे। मां भारती के इन सपूतों ने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की उस परंपरा को निभाया जिसकी कसम हर सिपाही तिरंगे के सामने खाता है। वीरगति को प्राप्त हुए शहीदों की याद में ही 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर भोग्या वसुंधरा, राजस्थान के वीर सपूतों के लिए हमेशा से ये कहा जाता रहा है। नागौर जिले के डीडवाना में जवानों का नाम देश के लिए मर मिटने वाले रणबांकुरों में आता है। कारगिल विजय दिवस पर डीडवाना से फर्स्ट इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। और 14 मई का दिन सेना के कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि 56 ब्रिगेड को द्रास सेक्टर में मूव करना है। तोरोलिंग पहाड़ियों पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन चलाया जाएगा।
टाइगर हिल पर पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ सेना ने स्टील के बंकर और कम्युनिकेशन स्टेशन भी बना लिए थे। भारतीय सेना जब ऑपरेशन के लिए रवाना हुई, एक तरफ मौसम की मार थी तो दूसरी तरफ ऊपर से पाकिस्तानी सेना का हमला हो रहा था। सबसे पहले कैप्टन सौरभ कालिया और 5 सैनिकों के दल गश्त के लिए निकला। पाकिस्तानी सेना ने सभी सैनिकों पर हमला कर दिया। इनमें शहादत पाने वाले सैनिकों में डिडवाना के कठौती गांव के सिपाही मूलाराम भी शामिल थे। ये 9 या 10 मई की बात है, हमारे यूनिट से आदेश मिला तो कि बजरंग पोस्ट पर रेकी के लिए जाओ, चेक करके आओ। तो उसमें हमारा एक कैप्टन सौरभ कालिया साहब और उनके साथ 5 जवान गए थे पेट्रोलिंग के लिए, चेक करने के लिए गए थे। तो उनको पता नहीं था कि ऐसे बात हो सकती है, तो उधर चारों मेर से उनको घेर लिया गया था और उसको मतलब बुरी तरह से मारा गया था, जिसके आँख नाक गला सब कुछ काट लिया था, कान। और उनको बाद में 1 महीने के बाद में उनको वापस इंडिया को एंटर कर दिया। छप्पन ब्रिगेड ने तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा जमा लिया। अब 4590 हाइट पर जाना था, उसके बाद टाइगर हिल पर चढ़ाई करनी थी। 4 जुलाई को हिल्स पर कब्जा करना था। सेना के जवाजों ने 3 जुलाई की रात को ही मूव कर दिया। कड़ाके की ठंड, -डिग्री से नीचे तापमान। पाकिस्तानी सेना ये सोच रही थी कि ऐसे मौसम में भारतीय सेना मूव नहीं करेगी, लेकिन सेना ने अपनी चढ़ाई जारी रखी और ट्राइगर हिल्स पर सेना जा पहुंची, जहां पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के जाबाजों में आमने सामने की लड़ाई हुई। भारत के जाबाजों ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया। 4 जुलाई को टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहराकर फतेह हासिल की। 4 जुलाई से 26 जुलाई तक भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स से LOC तक का एरिया कैप्चर किया और भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लेकर करगिल फतेह की घोषणा कर डाली। ये करीब 3 महीने की पूरी लड़ाई थी, जो कि ये 2 तरफ की लड़ाई थी। एक तो क्या है, कुदरत की मौसम की लड़ाई, दूसरा दुश्मन की लड़ाई। मौसम इतना ठंडा था कि वहां पर 1 मिनट में बर्फ गिरना शुरू हो जाती, 1 मिनट में बरसात आना शुरू हो जाती और कर कोई कुछ नहीं कर सकता, जो कि पूरी एडम व्यवस्था कुछ हो नहीं सकता। और आगे दुश्मन का खतरा अलग, दूसरा मौसम का ऐसा है कि बहुत टेम्परेचर था, जैसे टाइगर हिल 18,000 की हाइट के ऊपर आदमी नॉर्मल बैठा बैठा ही सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जो कि एक दुश्मन के साथ में लड़ाई लड़ना एक बहुत अहमियत और महत्वपूर्ण वाला काम है। करगिल की लड़ाई को ऑपरेशन विजय नाम देकर चलाया। 60 दिन तक चला ये युद्ध 8 मई को शुरू हुआ और 26 जुलाई को खत्म हुआ। 60 दिन तक चले इस युद्ध में 527 जवान शहीद हुए। राजस्थान में होने वाले शहीदों की संख्या 67 है, जिसमें डिडवाना के भी 8 जवान शहीद हुए। देखिए, कारगिल का युद्ध एक विशेष युद्ध था, एक अनोखा युद्ध था, जो कि पाकिस्तान और भारत के समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने धोखा देके और वहाँ पे कुछ पहाड़ियों पे कब्जा किया था। और इस लड़ाई के अंदर भारतीय सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन किया, ये विश्व के अंदर सराहनीय है और उसके ऊपर कई लोगों ने काफी रिसर्च भी किया है। देश आजादी से लेकर आज तक हर युद्ध में डिडवाना के वीरों ने अपनी शहादत देकर देश का मान बढ़ाया है। करगिल में भी भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय में डिडवाना के सिपाही मूलाराम, नायक सुरेंद्र सिंह, नायक सूबेदार मंगेज सिंह, सूबेदार भवरलाल, हवलदार कान सिंह, राइफलमैन चंद्राराम और नायक प्रहलाद सिंह ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से लोहा लेते हुए शहादत दी। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे एरिया से इस युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया और करीबन 8 जवान थे जिनको अपनी शहादत देनी पड़ी। इनमें सिपाही मूलाराम, इनका गांव कठौती है,
और उनका परिवार अभी लाडनू तहसील में यहाँ निवास करते हैं। डिडवाना की धरती ने हमेशा से ही ऐसे सपूत पैदा किए हैं जिनमें अपने वतन की हिफाजत का जज्बा शुरू से ही देखा गया और उम्मीद है कि नई पीढ़ी में भी ये जुनून बरकरार रहेगा। इस उम्मीद के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज जाबाज वीर सपूत शहीदों की शहादत को सलाम करता है। नरपत जोया, फर्स्ट इंडिया, डीडवाना। फर्स्ट इंडिया भी शहीदों की शहादत को नमन करता है, सलाम करता है। वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने विजय दिवस पर सैनिकों की शहादत को नमन किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर पहुंची, शहीदों को याद किया गया और इस दौरान जो सैनिक सम्मान दिया गया, अमर जवान ज्योति की तस्वीरें दिल्ली इंडिया गेट। ऑन बिहाफ ऑफ एवरी इंडियन आई एम हियर टू रिमेम्बर द ग्रेट सैक्रिफाइस मेड फॉर दिस कंट्री बाय एवरी डेडिकेटेड सोल्जर हु हैज बीन इन adverse conditions protecting ourselves. So I take it as my sacred duty to be here and do the memorial. आंखें नम दिल में फक्र, क्योंकि ये विजय गाथा है। लेकिन विजय गाथा एक उस शख्स की कहानी के बिना अधूरी है जिन्होंने सीने पर 5 गोलियां खाई, उसके बावजूद 18 बंकर को नस्तनाबूद कर दिया। वो महावीर चक्र से सम्मानित किए गए, राजस्थान से वो आते हैं और अभी भी जिंदा है। उनकी जुबान ये पूरी विजय गाथा भी हम आपको सुनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विजय गाथा। आज का दिन हर भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्विटर के जरिए शहीदों को याद किया और उस दौरान क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि करगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि के स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाली मां भारती के अमर सपूतों की शहादत को कोटि कोटि नमन करती हूं। कारगिल विजय दिवस हमें देश के लिए शहीद हुए जाबाज सैनिकों की वीरता, पराक्रम, शौर्य और बलिदान की याद दिलाता है। इस दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने फोटो के साथ कारगिल विजय दिवस, तिरंगा और ये दर्शाने की कोशिश यहां पर की है कि किस तरीके से ये भी एक माध्यम है जिसके जरिए हम अपने शहीदों को याद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री, वहीं शहादत राजस्थान की परंपरा है। यहां गांव गांव में लोग देवताओं की तरह पूजे जाने वाले शहीदों के देवरे इस परंपरा के प्रतीक है। 19 साल पहले करगिल में राजस्थान के वीरों ने शहादत की ऐसी गाथा लिख दी कि सदियों तक पूरे देश उसे याद करता रहेगा। करगिल के हीरो रहे महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह से सुनिए युद्ध का आंखों देखा हाल। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया ने। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस के जरिए कारगिल के उन शहीदों को याद करते हुए उनको नमन कर रहा है जो इस देश के लिए शहादत को पा गए और इस बात के लिए भी गवाही भी दी उन्होंने कि किस तरीके से जो इस देश की सीमा पर अपनी जान न्यौछावर करके और कुर्बानी देकर इस देश की रक्षा में जी जान से जुटे हैं। जयपुर के दिगेंद्र सिंह जी महावीर चक्र विजेता, जिन्होंने खुद ने एक मिसाल कायम की और ना केवल वो इसके गवाह रहे कारगिल विजय के, बल्कि एक बड़ी शहादत की जो कहानी है उनको भी अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह जी। सर, अगर बात करें इस, बिल्कुल सर, जय हिंद। जय हिंद।
सर हम बात करते हैं जब भी कारगिल विजय की, कारगिल विजय दिवस की या कारगिल युद्ध की, जी तब हम हमारे खुद के जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं उस दौरान की घटनाओं को सुन के। जब अगर मैं बात करूँ उस घटना की, जब उस कारगिल युद्ध के दौरान की, तो हम खुद भी 10वीं क्लास की छुट्टियों में घर आए हुए थे और डेली सुबह से शाम तक हम जब रेडियो के सामने ये बातें सुनते थे और पूरे गाँव में चर्चा का माहौल होता था। और आप तो इसके प्रत्यक्ष एक तरह से गवाह, इसके खुद के एक जाबाजी की, आपकी खुद की एक वीर गाथा है। किस तरीके से आपको सूचना मिली और कैसे शुरुआत जो है आपसे? जी हाँ, हमारी बटालियन दो राजबुदन राइफल्स कुपवाड़ा में तैनात थी और हमारे को आदेश मिला कि कारगिल में युद्ध छिड़ चुका है, बड़ा घमासान युद्ध है क्योंकि दुश्मन शिमला समझौता का उल्लंघन कर चुका है और उसके बावजूद वहाँ ऊंची ऊंची चोटियों पर दुश्मन ने अपना अड्डा जमा लिया है, अपने बैंकर बना लिए गए हैं और 9 मई से और आज 30 मई हो चुकी है, हमारी पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सैनिकों की डेड बॉडी भी नहीं उठाने दे रहे। आपकी बटालियन दो राजरी भारतीय सेना की टॉप बटालियन है और उस बटालियन को कारगिल युद्ध में बुलाया गया है। जनरल मलिक ने बोला कि टू राजरीफ को वहाँ बुलाया जाए युद्ध के दौरान, क्योंकि मैं उस पहाड़ी का जिक्र करूंगा जिस पहाड़ी पर इंडियन आर्मी ने 3 हमले किए थे। पहला हमला एक बटालियन किया, उसके 18 आदमी सैनिक शहीद हो गए, दूसरी के 22 हो गए, एक के 28 सैनिक शहीद हो गए और डेड बॉडी तक नहीं उठाने दे रहे थे और ऊपर से आवाज़ मारे, ए हिंदुस्तानी काफरो तुम्हारी डेड बॉडी यहीं छड़ने देंगे। उस टाइम पर बहुत तगड़ा धक्का लगा। हर सैनिक की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जिंदगी में युद्ध लड़े और युद्ध जब आपको पहली बार इसकी सूचना मिली तो कैसा माहौल था आपके इस बटालियन में? हमारी बटालियन को 48 घंटे का टाइम दिया कुपवाड़ा से कारगिल जाने के लिए, हम 36 घंटे में पहुंच गए और पहुंचने के बाद में जनरल मलिक ने बोला क्या टू राजरीफ को 48 घंटे का टाइम दिया था, आप 36 घंटे में पहुंच गए? मौजा सर हम लाहौर भी जल्दी पहुंचने वाले हैं। क्या बात है। लेकिन जब आपकी बटालियन में पहली बार ये सूचना किसने दी कि आपको चलना है और उस समय क्या माहौल रहा? हमारे बटालियन कमांडर ने पूरी बटालियन को इकट्ठा किया और बोला बोलो भारत माता की जय और मैं कर्नल रविंद्रनाथ, दोस्तों आज हमारा सौभाग्य कि हम कारगिल युद्ध में लड़ाई के लिए जा रहे हैं। मेरे बहादुर जवानों, तुम जितनी जल्दी हो सके अपना असला बारूद अन्वेषण हथियार खाना पीना लेकर के ने अपनी गाड़ियों में लोड हो जाओ और हम 3-4 घंटे में 100-150 गाड़ियों में लोड करके हम वहाँ से अपना जत्था रवाना कर दिया। वहाँ तक पहुँचने में आपको 36 घंटे लगे, उस 36 घंटे के दौरान क्या कुछ चलता रहा आप लोगों के दिमाग? हमारे जब गाड़ी में बैठे थे हम तो सब बोल रहे थे कमांडर अब की बार इतने मारेंगे, अब की बार ऐसे करेंगे, अब की बार ऐसे करेंगे, आप तो पहले भी श्रीलंका में मारे थे, कुपवाड़ा में बहुत उग्रवादी मारे थे, सर गुरुजी आप तो कोबरा कमांडो, आप तो कईयों को मारोगे, मगर तुम भी कसर मत गालना, मैं अकेला ही नहीं हूँ, तुम सब मेरे साथी हो, तुम्हारे को मैंने वही ट्रेनिंग दी है जो मेरे पास में है। सर जब हमने तोलोलिंग देखा और वहाँ सैनिकों की डेड बॉडी आते हुए देखा तो बड़ा गुस्सा आया कि पाकिस्तानी हमारे सैनिकों को मात पर मात दे रहे हैं, इनका बदला कैसे लिया जाए। उस टाइम 360 डिग्री पर दिमाग घूमगा कि अब ये कैसे मार सकते हैं, हम इनको क्यों नहीं मार सकते। तो मैंने वो पहाड़ी की रेखी करी, रेखी करने के बाद में अपने जनरल साहब को बताया कि सर ये तोलोलिंग पहाड़ी इस प्रकार से है, सामने से हमला सक्सेस नहीं हो सकता क्योंकि दुश्मन ने बारूदी सुरंगे अपनी HMG और पिक्का जो भी मोटी मोटी मशीन गन है वो सारी फिट कर रहेगी, तो वहाँ पर जाना नामुमकिन है, लेकिन दुश्मन का जो नाजुक हिस्सा वो देखना चाहिए। तो मैंने नाजुक हिस्सा देखा पीछे से और वहाँ 14 घंटे में रस्सा बांध कर मैं ऊपर चढ़ गया और चढ़ने के बाद मैं पूरी रेखी करके अपने कमांडर को बताया। मेरा कमांडर बहुत खुश है, बोले शाबाश दिगेंदर तने दुश्मन का वो हिस्सा देख लिया, अभी तेरी प्लान चलेगी, बता क्या करना बेटा। तो फिर कोबरा ने क्या प्लानिंग करी उस तक? देखो ये प्लान करी कि मैं पहला बैंकर को मैं बर्बाद करूंगा और इन्होंने एक एक करके 18 बंकर वहां पर बर्बाद किए थे। लेकिन हम यही कहेंगे ऊंची चोटी बर्फीला पहाड़ पाकिस्तानी सेना डरी थी जब सुनी थी भारतीय शेरों की दहार, ना टिक पाए थे वो ना रुक पाए थे जब भारतीय जाबाजों से टकराए थे। और अंत में फर्स्ट इंडिया सिर्फ इतना कहना चाहता है मातृभूमि की रक्षा की ये विधाता, ये है कारगिल की विजय गाथा। नमस्कार।